शराब की कीमतें पहले से कम हुई है, वहीं उत्तराखंड में शराब की कीमतों में इजाफा होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किसी भी अन्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में दो से ज्यादा शराब की बोतलें लाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में शराब की कालाबाजारी रोकने को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शराब के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये जानने के लिए सुरागिला न्यूज चैनल की टीम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले स्थित ठाकुर द्वारा व उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंची और दोनों राज्यों के व्यापारियों से बात की। देखिए सुरागिला न्यूज चैनल के संवाददाता आदित्य शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं हूं आदित्य शर्मा सुरागिला न्यूज चैनल से और आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद क्षेत्र के ठाकुर द्वारा में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। हम आज यहाँ पे मौजूद है एक वाइन शॉप पर और जैसे मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र में अगर हम देखा जाए तो उत्तराखंड में जो वाइन के प्राइसेस हैं, जो शराब के प्राइसेस हैं, वो यूपी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। सर, यूपी में आप हमें बताने की कृपा करें कि रॉयल स्टैग, ब्लेंडर स्प्राइट और इंपीरियल ब्लू जैसे ब्रांड्स के क्या कीमत है? रॉयल स्टैग 670 रुपए की है, वाटर 170 का है, आप 340 और ब्लेंडर स्प्राइट 920 की है, 470 का आप ऐसी और ब्रांडों का भी ऐसी है, हमारे यहाँ कम है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है काशीपुर के जाने माने व्यापारी मिस्टर भोलेनाथ डावर जी। नमस्कार सर। ये आमतौर पे देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में वाइन के प्राइसेस जो हैं वो यूपी के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं, इस बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, यहाँ पर जो रेट्स हैं वो यूपी से काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो इधर जो आता है टूरिस्ट वगैरह जो भी आ रहा है वो अपनी वाइन या शराब वहाँ से खुद लेके आता है, जिसकी वजह से यहाँ की बिक्री बहुत इफेक्टेड हो रही है, राजस्व का भी फर्क पड़ रहा है और ठेकेदारों को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दूँ, यहाँ पर जो ब्लैक डॉग की बोतल आपकी 1740 रुपये की है, जबकि वो यूपी के अंदर 1460 रुपये की है। ये ब्लेंडर प्राइस जो सबसे ज़्यादा बिकती है 1030 रुपये की है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, और यूपी में 920 रुपये की है। ऐसे ही आरएस यहाँ पर 820 रुपये की है और यूपी में 670 रुपये की है। आईबी ब्रांड है, इसमें और बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लगभग 15% से भी ऊपर का फ़र्क है। यहाँ पर 740 रुपये रेट है उसका, और जबकि यूपी के अंदर वो मात्र 600 रुपये की है। ऐसे ही आपकी वैट 69 एक आता है ब्रांड, ये यहाँ पर 1660 रुपये का है, जबकि यूपी में 1400 रुपये का है। और मैकडबल जैसी जो एक आम चलती है, यहाँ आपकी M2 जो है वो 800 रुपये की है, जबकि यूपी में वो 670 रुपये। इस हिसाब से लगभग जो है आप भी मान के चलें कि 8% से लेके और 15-20% तक का रेटों में डिफरेंस है, यूपी में इतने कम है रेट। तो इसीलिए यहाँ की जो है बिक्री बहुत इफेक्टिव है, ठेकेदार बहुत लोग परेशान हैं और उनकी बिक्री क्योंकि इससे बहुत इफेक्टिव है। सर, सवाल यह है कि जनता ये चीज़ जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के मुकाबले अल्कोहल बेवरेजेस के प्राइसेस इतने कम है, उत्तराखंड में ऐसा कुछ क्यों नहीं है, लोगों को यहाँ पर बाहर के मुकाबले ज्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? ये तो नीतिगत मुद्दा है, इस पर शासन द्वारा निर्णय किया जाता है। और सर, इसके साथ साथ एक ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक नियम है कि जहाँ पर अगर आप किसी बाहरी प्रदेश से दो से ज्यादा बोतलें अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत तो कार्यवाही भी की जाती है, जबकि उत्तराखंड में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो व्यापारियों का ये कहना है कि लोग बाहर से ही बोतलें क्या कहते हैं खरीद के ले आते हैं और यहाँ पर हमारा हमें नुकसान झेलना पड़ता है। सर, इस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, जो यहाँ पर है उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है, ठीक है, चेकिंग वगैरह लामा वगैरह रेगुलर चेकिंग की जाती है, रोड चेकिंग की जाती है। ऐसा कोई अगर बड़े स्तर पर लाता है या ज्यादा मात्रा में लाता है, निर्धारित मात्रा से ज्यादा बोतलें लाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी सर। अच्छा सर, कोई गाइडलाइंस है जो कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार की तरफ से, हम प्रशासन की तरफ से? नहीं, वो तो आबकारी नीति में ही है, वो तो आबकारी में ही है कि ज्यादा ले जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, उसमें तो आबकारी अधिनियम नहीं है वो व्यवस्था। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।